दिस इज शशांक शर्मा, एस्ट्रोनॉट ऑन मंगल मिशन इंडिया, और अभी मैं लो अर्थ सीसीटीवी के कैमरे का सर्किट बोर्ड रिपेयर कर रहा हूँ एंड आई थिंक इट इज वर्किंग। एक कॉन्फिडेंशियल मिशन के बाद परसों इंडियन स्पेस काउंसिल की टीम मार्स से वापस लौटी। मिशन पर सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने बेस्ट साइंटिस्ट को खो दिया, शशांक शर्मा। सारी रिपोर्ट्स, एविडेंस एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही है, ये एक अटैक था। ऐसे ही नहीं, शक हमें पहले से ही था। 3 साल पहले इंडियन स्पेस काउंसिल ने एक मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। हमने मार्स पे पहला सेल्फ ड्रिवन रोवर लॉन्च किया था, और 1 साल बाद जब उस रोवर से भेजी हुई इमेजेस को हम एनालाइज कर रहे थे तब सर ये इमेजेस देखिए सर, ये परसों की और ये कल की और ये आज की है सर। इन रॉक्स को देखिए सर, दे आर मूविंग। उस एरिया में कोई सैंडस्टॉर्म की रिपोर्ट हो सकता है, उस वजह से हुआ। कोई सैंडस्टॉर्म की रिपोर्ट नहीं है सर, इन सबका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, लाइफ ऑन मार्स। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कोई चांसेस नहीं लेना चाहता था। रोबोट और मशीन से भेजी हुई इमेजेस पर उनको यकीन नहीं था, इसलिए मैंने तय किया मैं अपने साइंटिस्ट को मार्स पे भेजूंगा, और जब वो एविडेंस लाएंगे तो सबको भरोसा हो जाएगा। और इसी तरह इंडियन स्पेस काउंसिल का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन शुरू हुआ। मैंने एक टीम रेडी करी, पृथ्वी एस जियोलॉजिस्ट, शशांक इंजीनियर टेक्नीशियन, और टीम लीडर रागिनी। हमने डिसाइड किया था कि जब तक ये मिशन खत्म नहीं हो जाता हम मीडिया से बात नहीं करेंगे। कुछ महीने बाद 23 जून को पहली बार मार्स पर इंसान ने कदम रखा। रागिनी, टेक इट फॉरवर्ड। यस सर। मैं स्पेसक्राफ्ट से सत्या सर को रिपोर्ट कर रही थी। We are the first humans on Mars. असली काम तो अब शुरू होगा। सर मैं रोवर पे बाहर जा रही हूँ, इंस्पेक्शंस और कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने के। पृथ्वी is going to rest and Shashank is going to. मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी? हाँ। तुम्हारे वर्किंग आवर्स एक्सटेंड हो चुके हैं एंड यू नीड रेस्ट। वैसे भी नेक्स्ट राउंड में तुम बाहर होने ही वाले हो। ओके सर, एज यू से। और हाँ, बाहर जा रहे हो ना, एक काम करना, कोई एलियन मिले ना उसके साथ सेल्फी जरूर लेना। हाँ हाँ हाँ, व्हाट अ जोक पृथ्वी, डोंट बी सिली। अरे ये क्या था? मुझे लगा किसी ने स्पेसशिप को बाहर से जोर से धक्का मारा। नहीं नहीं, डस्ट स्टॉर्म होगा, मार्स पर तो डस्ट स्टॉर्म आते रहते हैं, देखते हैं। हो सकता है सर्किट ब्रेकर में कोई प्रॉब्लम, मैं देखता हूं। हाँ शशांक, मैं भी रोवर पे सर्वेलेंस करके आती हूँ, यू प्लीज टेक केयर। पृथ्वी यू स्टे इनसाइड। करीब 2 घंटे के बाद मैं वापस आई और शशांक Thank you.
ऐसा कोई मटेरियल या वेपन नहीं है जो उस हेलमेट पर खरोंच डाल सकता। पर शशांक का हेलमेट टूटा हुआ था। ऑल दिस लीड्स टू द फैक्ट दैट हमारा शक सही निकला। ये एक एलियन अटैक की थी। इस वक्त मैं बस सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हम शशांक की मौत को फिजूल नहीं जाने देंगे। अपनी रिसर्च, अपना मिशन जारी रखेंगे। अब मार्स पे जो भी है, we'll find it. Thank you. अगर वो मार्स से यहां आ गए तो क्या हम लोग वहां जा सकते? तो एलियंस यहां नहीं आ सकते? रियली विक्रम, क्या तुम भी इस सब में विश्वास करती हो? राघव, ये सीनियर साइंटिस्ट कह रहे हैं, कोई फिल्म वाले नहीं है। उनके पास रिसर्च है, बकायदा एविडेंस है। व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट? क्या एविडेंस? किसी ने अपनी आंखों से देखा है? और एक पत्थर के हिलने और एक डेड एस्ट्रोनॉट से क्या प्रूव होता है? इसके तो और भी के रीजन होते हैं। अच्छा, तो क्या रीजन हो सकता है? बताओ अपनी थ्योरी। कंपेंसेशन के पैसों का मैं करूंगा क्या? अगर ये पैसे इंडियन स्पेस काउंसिल ने नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए लगाए होते तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि शशांक की मौत फॉल्टी इक्विपमेंट्स के कारण हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि इंडियन स्पेस काउंसिल के पास फंड्स की बहुत ही कमी थी, और अगर इस वजह से मेरे बेटे को कुछ हुआ है ना तो ये उन्हें थ्योरी, इसको चेक करें। उन इमोशनल पेरेंट्स की वजह से हम सीनियर साइंटिस्ट्स को चैलेंज नहीं कर सकते, और वो भी बिना किसी ऑर्डर के। जैन सर, सर, इंडियन स्पेस काउंसिल, आप सीनियर साइंटिस्ट्स को डाउट कर रहे हैं? बट सर, ओके सर, जैन, लो, मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ गया। राघव, तुम्हें और मुझे इंडियन स्पेस काउंसिल जाना होगा। उन्हें लगता है कि अगर ये एलियंस का क्लेम गलत साबित हुआ तो उनका मजाक बन के रह जाएगा। वैसे भी शशांक के पेरेंट्स ने अल्टरनेट थ्योरीज देनी शुरू कर दी है, और करोड़ों की ग्रांट करने से पहले दे वांट टू बी एब्सोल्युटली श्योर। सो लेट्स स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। इतना सिंपल नहीं है राघव, रिस्क उल्टी तरफ भी उतना ही है। थिंक अबाउट इट। अगर मान लो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, या हमने उन सीनियर साइंटिस्ट पे इल्जाम लगा दिया और वो गलत साबित हो गया, देन व्हाट? मिनिस्ट्री का तो मजाक बन के रह जाएगा। गाइस, हमें अंडरकवर जाना पड़ेगा जब तक हमें कोई सॉलिड प्रूफ या एविडेंस नहीं मिल जाता। देखिए, मैं तब तक आवाज उठाता रहूंगा जब तक ये लोग केस इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते। बस सर, यू आर सेइंग कि इक्विपमेंट में कोई गड़बड़ी थी, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। इसका कोई एविडेंस है आपके पास? देखिए, मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बताया था कि कैसे उनके पास फंड्स की कमी थी, कैसे वो सैलरी में से पैसे काट कर एडमिशन की तैयारी करते थे, और मिनिस्ट्री तो हर टाइम फंड्स काट कर देती थी। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अवधेश जी क्या कह रहे हैं। चलिए, उनकी बात मैं समझता हूँ, लेकिन उनकी बात सुन के आप लोग यहाँ आ गए। ये स्पेस मिशन है, आपको क्या लगता है मैं इसमें कोई कसर छोड़ूंगा? इसमें हर चीज वर्ल्ड क्लास है। ये हमारी साधना है, साइंस। इसमें हम कैसे कुछ, अरे कुछ तो कमी रह गई होगी, आप लोग ही बताइए। अरे क्या कर रही हो? अरे ये सब लेकर नहीं जाना है। सब ले जाओगे, सब कुछ ले जाओगे। आइए बैठिए, बैठिए। कितना मना किया उसको कि मत जा, पर सत्या सर ने एक बार कहा बस, फिर कहीं वो किसी की सुनता है क्या? शादी करने वाले थे उसकी। लड़की कौन थी? कोई तो पसंद थी उसको, बताया था उसने, कह रहा था छुट्टी में आऊंगा तो साथ लेकर आऊंगा, आप लोगों से मिलवाऊंगा, पर छुट्टी नहीं मिली। सबसे टैलेंटेड साइंटिस्ट खोया है मैंने, शशांक। ओके, तो मैं बाद में आता हूं। नहीं नहीं, कम इन, आओ सुनो, क्या नई कहानी बता रही है जर्नलिस्ट। कह रहे कि मिशन की सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए शशांक। व्हाट? अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैं खुद रिपोर्ट करता।
शशांक की मौत किसी मिस्टीरियस एलियन फोर्सेस की वजह से हुई है और ये सच है। क्या हम स्पेसक्राफ्ट का सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं? शायद उसमें से कुछ हमने देखा और कुछ नहीं मिला। और शायद आपने हेलमेट की बात ठीक से नहीं सुनी, ये कोई बाइक हेलमेट नहीं था। इस हेलमेट को कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाया गया, इंडिस्ट्रक्टिबल हेलमेट। अगर आप मुझे बिलीव नहीं करते तो आप रागिनी से पूछ सकते, वो कई सालों से एक्सपेरिमेंट कर रही और आज तक उसे ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिला है जो इस हेलमेट को तोड़ सके। आप चाहे जिससे भी पूछ लीजिए, प्लीज हमें परेशान मत कीजिए, बहुत मेहनत की हमने इस मिशन के लिए। आप क्या करोगे? एक्सक्यूज मी। जी कहिए। जी हम लोग डॉक्टर रागिनी मेहता की लैब ढूंढ रहे हैं। ओके, वैसे आप लोग? हम लोग जर्नलिस्ट। डॉक्टर सत्या ने कहा है। हाँ तो जाइए ना, आपको रोका किसे है? वो उस तरफ है वहां। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। देखा, अगर मैं यहां ना होता तो तुम तो यहां अटक गई होती। वैसे यहां के सारे दरवाजे खोलने के लिए ना फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की जरूरत है, और उसके लिए मेरी की यहां के एम्प्लॉय की। वैसे हाय, बाय द वे आई एम विजय, द हेड ऑफ रोबोटिक डिपार्टमेंट। यू नो द फर्स्ट मास मिशन, वही जिसकी वजह से सारे क्यू मिले थे। वो तो मैंने ही। लगता है आप लोगों को काफी जल्दी है रागिनी से मिलने की, तो जाइए ना, वो वहां बैठे बैठे रो रही होगी क्योंकि उसका मिशन जो फ्लॉप हो गया है। जाइए। रागिनी, Excuse me, आप लोग कौन हैं? अंदर कैसे आए? रिलैक्स, वी आर जर्नलिस्ट। हम लोग को सत्या सर ने कहा था कि आपसे बात कर लें। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और आप प्लीज मेरी फोटो लेना बंद कीजिए। आप सॉरी, बस हमें आपसे आपके रिसर्च के बारे में कुछ बात करनी थी। एक्चुअली वो आप हेलमेट तोड़ने के सॉल्यूशन के बारे में रिसर्च कर रही थी। तो सत्या सर बिना अब रिपोर्टर से मैं कैसे? देखिए, मैंने सॉल्यूशन नहीं बनाया है, मुझे दो दिन भी नहीं हुए वापस आए हुए, मैं बहुत थकी हुई, तो प्लीज यू कैन लीव नाउ, प्लीज गो। ओके ओके, काम डाउन। यहां से भी कुछ नहीं मिला, अननेसेसरीली जर्नलिस्ट उसे परेशान कर रहे होंगे। राघव, वन मिनट, विक्रम ने कोई वीडियो भेजा है। कितना मना किया था उसे, मत जा। शशांक के पेरेंट्स का इंटरव्यू। पर सत्या सर ने एक बार क्या पर सत्या सर ने एक बार क्या बस 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 ये चाबियां, ऐसी चाबियां रागिनी के हाथ में। और आप प्लीज ये फोटो लेना बंद कीजिए। वही एक लंबा सा, एक गोल्डन, एक रस्टी, दोनों के पास सेम चाबियां कैसे हो सकती हैं? वीडियो में शशांक की माँ बोल रही थी कि उसने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली थी। मतलब ये दोनों? नहीं नहीं, शशांक का घर देखो, पूरा बैचलर स्पाइड लग रहा है। तो ब्रेकअप, कुछ ना कुछ तो है इन दोनों के बीच। जवाब तो एक ही आदमी दे सकता है। तो वापस आना ही पड़ा। कहीं रागिनी ने तुम दोनों को मारा पीटा तो नहीं? वो एक्चुअली हमें रागिनी और शशांक के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछने थे। क्या जानना चाहते हैं आप उसके बारे में? उसके अफेयर के बारे में, या फिर गॉसिप के बारे में, या फिर ब्रेकअप के बारे में? क्यों हुआ था? जहां तक मैंने सुना था कि रागिनी शशांक की लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती, और जब कंट्रोल नहीं कर पाई तो उसके पीछे ही पड़ गई, और इसी बात को लेकर शशांक इतना डरा हुआ था कि उसे मिशन पर जाने से ही मना कर दिया। ये तो मैंने खुद सुना था जब सत्या सर टीम अनाउंस कर रहे। खैर,
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शशांक से पहले रागिनी मेरे पीछे पड़ी थी, और जब उसे समझ में आया कि ये खुद चीजों को कंट्रोल कर सकता है, उसे वो खुद कैसे कंट्रोल कर पाई? देखना चाहेंगे आप? अगर मैं चीजों को बना सकता हूं तो उसे बिगाड़ भी सकता हूं। निकलने से पहले बस हमें एक सवाल पूछना था कि शशांक और रागिनी के बीच में कुछ हुआ था क्या? जहां तक मैंने सुना था कि रागिनी ने शशांक की घड़ी को किसी लोशन में डाल के उसे पिघला दिया। दिशा में कुछ भी करके इस रागिनी की लैब के अंदर जाना ही होगा, नहीं उसने वो हेलमेट तोड़ने का सलूशन इन्वेंट कर लिया होता। पर कैसे राघव, सारे डॉस फिंगरप्रिंट प्रोटेक्टेड हैं। और शायद आपने हेलमेट की बात ठीक से नहीं सुनी, ये कोई बाइक हेलमेट नहीं था। अच्छा, ये ग्लास हमें इंडियन स्पेस काउंसिल के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है, इसमें कुछ देर छुपने की जरूरत है। तुम्हें लगता है रागिनी इतनी मेहनत करेगी बस उसे स्पेस पे जाके मारने के लिए? प्यार में ठुकराए हुए लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्यार, तुम क्या जानो प्यार के? यहाँ तो सारी की सारी बॉटल्स कांच की हैं। अगर उसने वो हेलमेट तोड़ने वाला सोल्यूशन बनाया है, पक्का किसी ऐसी बॉटल में रखा होगा जो कि कांच की नहीं बल्कि किसी और मटेरियल की बनी होगी। अच्छा या मिस वे होनी चाहिए। गर्लफ्रेंड ने ये सोल्यूशन बना लिया था। बॉस, अब हम बॉस को इन्फॉर्म कर सकते। सीसीटीवी से पता चला कि आप और आपका वो फोटोग्राफर रागिनी के कैबिन में छुप के घुसे, इसलिए पृथ्वी कह रहा था कि रिपोर्टर्स को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे पुलिस को फोन करना होगा। वेल सर, पुलिस हमारे साथ है, हम रागिनी को लेने आए। एजेंट त्रिशा फ्रॉम सीबीआई। सीबीआई? तो आप लोगों को लगता है कि रागिनी ने शशांक को, आप लोग पागल हो गए हैं और आपकी गवर्नमेंट भी। इतनी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है और आपको लग रहा है कॉन्स्पिरेसी है? एंड रागिनी इज द टीम लीडर। I was the team leader. मैं अपने मिशन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं सर? रागिनी जी, आपके लैब में हमें एक अनलेबल फ्लास्क में एक सॉल्यूशन मिला।
अब उस सॉल्यूशन के बारे में ना ही तो कोई रिपोर्ट बनाई गई है और ना ही उस सॉल्यूशन के बारे में कोई जानता है। हालांकि वो सॉल्यूशन एक अनब्रेकेबल हेलमेट को भी बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। Am I right? जी, मैंने आपसे छुपाया था। पिछले 6 महीने से मैं स्पेस सूट की स्टेबिलिटी टेस्ट करने के लिए तरह तरह के टेस्ट कर रही थी। स्पेस सूट को एक खरोच तक नहीं आई और फिर जर्नी के सिर्फ 2 दिन पहले ये सॉल्यूशन मिला। मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा अगर मैं सर को बताऊंगी तो वो शायद उस वक्त वो मिशन कैंसिल कर देंगे जिस मिशन के लिए हमने इतने साल कड़ी मेहनत की। और फिर मुझे लगा कि ये एक मामूली सा रूटीन टेस्ट है और मार्स पर कहां ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा। अभी हो सकता है कि वो सॉल्यूशन आप अपने साथ लेकर गई हो बिना किसी के नॉलेज के। रागिनी जी, उस रात मार्स पे आप और शशांक के अलावा स्पेस क्राफ्ट के बाहर कोई नहीं निकला था। जल्दी हम सच का पता लगा लेंगे। हमारे कलीग्स अभी भी उसकी चेकिंग कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं उसे क्यों बचाती। एंडी के ठीक 1 दिन पहले एंटीना में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। शशांक उसे चेक करने के लिए गया था। ओए मैकेनिक, फटाफट काम खत्म करो और वापस आ। स्पेसशिप फिर से स्टार्ट करना है। बेटा ये इंजीनियरिंग का काम है, टाइम तो लगता है। एक दो पत्थर उठाने जितना आसान थोड़ी है। अच्छा तो मेरे पास तो कोई काम है नहीं, तो काम करता हूँ, मैं खाना खा करके आता हूँ। ओए पत्थर के इंसान, जब तक मैं बाहर हूँ तब तक तेरा कंट्रोल पैनल के सामने होना मैंडेटरी है। कॉमेट इस तरफ आ रहा है, मुझे अंदर खींच जल्दी। पृथ्वी और पास आ रहा है, जल्दी कर, दिस इज नॉट अ जोक। शशांक को मार सकती हूं। इनफैक्ट उस रात उसने मुझसे कहा था कि हमारा अलग होना शायद एक गलती थी। क्या पता, शायद हम दोनों फिर से। रिशा, एक प्रॉब्लम है। मैंने पूरा स्पेस सूट चेक कर लिया है। उस सॉल्यूशन का, इनफैक्ट किसी भी सॉल्यूशन का कोई ट्रेस नहीं है उस पे। नॉट ओनली स्पेस सूट, पर पूरी स्पेसशिप में भी कुछ नहीं मिला। आई थिंक रागिनी सच बोल रही है।
जी, क्या आप हम अपने कली को साथ ले जा सकते हैं या फिर और भी सवाल पूछने हैं आप लोग? सवाल करने हैं ना, पर आपकी वजह से शशांक ऑलमोस्ट मारा गया। आई एम श्योर उसके बाद वो आपसे बहुत नाराज हुआ होगा। व्हाट डू यू मीन? हाँ, क्या बोलेगा वो? हम बहुत पुराने और बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक सेकंड में माफ कर दिया था उसने मुझे। इतनी बड़ी गलती और आपको इतनी आसानी से माफ कर दिया? ये एक लाइन को आप बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? मैंने कहा ना, उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उससे कहा कि मेरी गलती है, मैं खुद को रिपोर्ट कर देता हूं, पर उसने करने कहां दिया? उसने कहा कि अगर कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा मेरी गलती है, ऐसी थी हमारी दोस्ती। चलो, व्हाट डू यू थिंक राघव? ये टीम एक दूसरे के बहुत करीब है और ट्रस्ट है आपस में। अगर पृथ्वी ने जानबूझकर भी कुछ किया होगा तो कोई इस पर शक नहीं करेगा। ट्रस्ट हिम अलॉट और कोई इसके खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा। हमें कोई दूसरा ही रास्ता ढूंढना होगा। स्पेसक्राफ्ट से सीसीटीवी फुटेज रिट्रीव हो चुकी है। आई थिंक हमें वहीं से कुछ मिल सकता है। वॉच इट। और ये पहले तीन बार भी हो चुका है। आई न्यू शशांक उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला। पर दोनों कह क्या रहे थे? और एक बार दोबारा रिवाइंड करके प्ले कर। छुट्टी कह रहा है गलती हो गई, प्लीज फॉरगिव मी। शशांक ने कहा मुझे कुछ हो जाता तो वापस पहुंचने दे, सत्या सर डिसीजन लेंगे। हेलो, सत्य सर को बुलाओ। अरे नहीं है तो घर पे कनेक्ट करो यार। हाँ, इट्स इमरजेंसी यार, जल्दी बुलाओ। पृथ्वी की गलती से एक एस्ट्रोनॉट ऑलमोस्ट मारा गया। आई एम श्योर कि इंडियन स्पेस काउंसिल जैसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे केसेस को सीरियसली लेती है ना? जहां तक मुझे पता है उसकी जॉब भी जा सकती है। उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी साइंस कम्युनिटी में बेइज्जती होती। शशांक की एक रिपोर्ट से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। हो सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने दोस्तों को मार डालो। सवाल वो नहीं है बिक्रम, सवाल है कैसे। उसे तब तक क्वेश्चनिंग के लिए नहीं लाया जा सकता जब तक ये साबित नहीं हो जाता अगर हेलमेट टूटा तो टूटा कैसे और उसने सॉल्यूशन के ट्रेसेस मिटाए कैसे। स्पेसक्राफ्ट के अंदर सॉल्यूशन के ट्रेसेस नहीं मिले। रागिनी एक बायोकेमिस्ट, हमने उसकी लैब चेक। ये पृथ्वी इज अ जियोलॉजिस्ट जो स्टोन्स और टेरेन को स्टडी करते हैं। कहीं उसने अपनी स्पेशलिटी यूज करके हेलमेट को। वो उस पत्थर के पीछे। तो इस मिशन की सक्सेस के बाद पृथ्वी को बैंगलोर सेंटर का हेड बनाने की बात चल रही थी। तो दिस मिशन्स सक्सेस वाज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। राजवीर, सवाल फिर भी वही है, उसने हेलमेट तोड़ा कैसे? आई थिंक ऐसे। ये रिसर्च पेपर्स लास्ट ईयर पृथ्वी ने पब्लिश किया था। उस रोबोटिक मिशन के बाद सैटेलाइट इमेज के हेल्प से उसने ऐसे रॉक्स डिस्कवर किए थे जिनकी मास डेंसिटी और टेंसिल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो किसी चीज को भी तोड़। एक मिनट, मिनट विक्रम, थोड़ी आसान लैंग्वेज में बताओगे प्लीज? ये लैंग्वेज है ना, मुझे समझ में नहीं आता प्लीज। ये रॉक्स उस हेलमेट को आराम से तोड़ सकता है। और पृथ्वी को पता था कि ये रॉक्स मिलेंगे कहां। एग्जैक्टली, और स्पेसक्राफ्ट भी पृथ्वी ही कंट्रोल कर रहा था। उसने ऐसी जगह लैंड किया होगा हाँ उसे वो रॉक्स आसानी से मिल गए।
एक मिनट। ये आज इंडियन स्पेस काउंसिल के साइंटिस्ट ने एक ऐसी डिस्कवरी की है जो दुनिया को बदल के रख देगा। सालों की मेहनत के बाद आज फाइनली सैटेलाइट इमेजेस ने चौंका देने वाली पिक्चर्स रिपोर्ट की है। आप खुद ही देख लीजिए। इंडियन स्पेस काउंसिल की वजह से आज सारी दुनिया ये इमेज देख रही है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साइंटिस्ट पर अपने ही साथी को मारने का आरोप लगा था। आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो सारे आरोप गलत हैं। आई थिंक हमें चलना चाहिए। चले गाइस, लेट्स गेट गोइंग। एक नया केस आया है, सीबीआई नीड्स टू लुक इनटू इट। राघव, गवर्नमेंट ने इंडियन स्पेस काउंसिल को अभी 2000 करोड़ का ग्रांट अनाउंस किया है रिसर्च के लिए। आई गेस इंडियन स्पेस काउंसिल का केस यहीं पर खत्म होता है। कुछ बहुत अजीब मिला है, शशांक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके पेट में कुछ बहुत अजीब। क्या मिला? एलियन का पार्ट मिला है? तुम भी बोल दो। रिलैक्स राघव, एलियन वेलियन कुछ नहीं, मैंने सब चेक कर लिया है। उसके पेट में रबर मिला है, प्रोसेस्ड रबर। इट इज अ वेरी हाई क्वालिटी रबर कॉल्ड ल्यूब्रिन। ये इंडिया में तो बनता ही नहीं है, इसको बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। ये ल्यूब्रिकेंट उसके पेट में कर क्या रहा था? शायद किसी ने उसे जबरदस्ती खिलाया होगा या फिर उसके खाने में किसी ने मिक्स किया होगा, इसीलिए इसकी बॉडी ने इसको डाइजेस्ट किया ही नहीं। क्या उसने वो जानबूझकर खाया? क्या वो कोई सुराग छोड़ने की कोशिश कर रहा था अपने अटैकर के बारे में? डॉक्टर सत्या, दिस इज एजेंट त्रिशा फ्रॉम सीबीआई। सीबीआई, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोग? डॉक्टर सत्या, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अबाउट दिस रबर ल्यूब्रिन। वो किस चीज में इस्तेमाल होता है, उसका कहाँ यूज होता है? ल्यूब्रिन ये हमारे रोबोटिक डिपार्टमेंट में यूज होता है, लेकिन उसका इस केस से क्या लेना है? डॉक्टर, मुझे लगता है कि दैट कुड बी अ क्लू किलर तक पहुंचने के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिजल्ट्स आए हैं वो, निशा जी, ये केस खत्म हो चुका है। आप खामखा हमारे पीछे पड़ गए। प्लीज स्टॉप डिस्टर्बिंग अस, सीरियसली। डॉक्टर सत्या ने कहा कि ल्यूब्रिन का इस्तेमाल रोबोटिक्स डिपार्टमेंट में किया जाता है। विजयन को जरूर पता होगा। ओह यस, तुम्हें याद है? हाँ, उससे कैसे पूछ सकता, वो तो तुम्हारा आशिक है। तो तुम्हें कार्ड भी दिया था ना अपना, और शायद तुम भी उसे अब तक भूल ही नहीं हो। डॉक्टर विजयन, हाय, दिस इज एजेंट त्रिशा, आपको याद है? जी, मुझे आपसे एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अबाउट दिस रबर कॉल्ड ल्यूब्रिन। एक्चुअली शशांक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि उसके पेट में एक ल्यूब्रिन नाम का रबर मिला है। मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप दे। कॉफी शॉप? ओ, आप फोन पे बात नहीं कर सकते हैं। श्योर, कितनी देर में? एक घंटा? या श्योर, आई कैन मीट यू, एक घंटे में आपको मिल सकती हूँ। ऑलराइट, ओके, थैंक्स। ऑलराइट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, विजयन का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पर वो गया कहाँ? आई डोंट नो। चुप गया होगा, उसे पता चल गया था कि हम उसके बहुत करीब पहुंच रहे हैं। राघव, व्हाट आर यू सेइंग? राघव, यू मीन विजयन? अरे भला विजयन शशांक को कैसे मार सकता है, वो तो स्पेसक्राफ्ट में था ही नहीं। विजयन नहीं राज, हो सकता है उसने किसी और की मदद ली हो शशांक को मारने में। कोई ऐसी चीज जिस पर उसका पूरा कंट्रोल, जिससे वो कुछ भी करवा सकता। हम सब सोच रहे हैं कि कोई इंसान उस हेलमेट को कैसे तोड़ सकता है, नहीं तोड़ सकता, लेकिन किसी ने भी रोबोट के बारे में नहीं सोचा। विजय, हेड ऑफ रोबोटिक्स। पर राघव, स्पेस पर कोई रोबोट गया ही नहीं था, विक्रम खुद पूरा क्राफ्ट चेक करके आया है। आई एम श्योर ये विजयन किसी न किसी तरीके से इस केस में इन्वॉल्व है, ये तो हमें उसके ऑफिस से ही पता चलेगा। बहुत स्मार्ट है, उसने कोई ना कोई तरीका तो निकाला है। लेट्स गो।
पूछा, आई एम श्योर कि तुम भी सच जानना चाहते हो। किसी को नहीं बताऊंगा। ऑलराइट। अच्छा, yeah. उसे जब आए थे तो विजन यहाँ आके खड़ा हुआ था। हाँ। और उसने कहाँ से ऑपरेट किया? क्या ये बटन दबाया? ये है उसका मैजिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन। इसे एक बटन दबाने से ये सारे मेटल पीसेस इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके ये रोबोट बनता है। राघव, यू थिंक सो? क्या तो शायद हो सकता है मार्स पर उस स्पेसक्राफ्ट में ऐसे किसी बटन या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक रोबोट बनाओ, तो बटन या कोई सॉफ्टवेयर जिसे अपलोड करके ऐसा रोबोट क्रिएट किया गया जिसे ये आसानी से कंट्रोल कर सकता था। और फिर शशांक को मारने के बाद उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू रोबोट वापस डिसमेंटल हो गया। विक्रम, हाँ, तुमने उस स्पेस क्राफ्ट में कुछ मेटल के पीसेस देखे थे ना? हाँ, मुझे लगा कोई रिसर्च वर्क के लिए था। पर राघव, विजयन और शशांक की दुश्मनी क्या हो सकती है? इसका जवाब एक ही आदमी दे सकता है। क्या वो उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था या नहीं? वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसे विजयन ने ही डेवलप किया था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो यहां से कंट्रोल की जा सकती थी। पिछले प्रोजेक्ट पे भी उसने काम किया, रोवर, कैमरा, रोबोट, सब उसने इसी टेक्नोलॉजी से डेवलप किए थे। और एक किलिंग रोबोट? नहीं, मैंने उसे इसकी परमिशन नहीं दी थी। वेट वेट वेट, मतलब उसने परमिशन मांगी थी? उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। हाँ, वो किसी सेल्फ असेंबलिंग रोबोट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन वो किसी को क्यों मारेगा? शायद इसलिए क्योंकि इतनी मेहनत, इतने सालों के काम के बाद भी उसे मिशन मार्स पर जाने नहीं दिया गया। उस मिशन पर रोबोटिक्स का कोई काम ही नहीं था और मैंने उसे समझाया। इस सब में वो शशांक को क्यों मारेगा? Why will he kill him? It's impossible. हो सकता है उसका टारगेट आप हो। इंडिया के सबसे बड़े स्पेस मिशन में इतना बड़ा हादसा, योर रेपुटेशन वॉज एट स्टेक। इंडियन अटैक कौन सा हो सकता? हमने विजयन को ढूंढ लिया है। उसकी बॉडी तुलसी लेक के पास मिली है, शायद सुसाइड। राजवीर, आई शॉर ही सुसाइड है? देखे तो ऐसे ही लग रहा है। वैसे भी सुबह से उस एरिया में काफी बारिश हो रही है और वहाँ कंस्ट्रक्शन साइड भी, अगर कोई क्लू होता भी तो। राघव, हो सकता है विजन को पता चल गया हो कि हम उसके करीब पहुंच रहे, तो उसने डस्टी मारी है ना। कुछ तो सही नहीं है। हाँ, मार्स पर एलियन के निशान। विजन ने रोबोट से शशांक को मारा, कुछ तो है, कोई क्लू जो मैं देख नहीं पा। राजवीर, हाँ, वहाँ बारिश हो रही थी। हाँ, सुबह से। क्यों? गाइस, गाड़ी है, बट बताता हूँ कि खूनी कौन। बट सीन पर वापस जा रहे सत्या सर। क्या बकवास कर? हाँ, वहाँ काफी बारिश हो रही थी ना और कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था,
अभी मुझे ध्यान है। ये गीले टायर, गाड़ी पर लाल मिट्टी के निशान, गाड़ी के अंदर गीली छतर। तुमने ही विजन को मारा, वो सब कुछ जान चुका था। तुमने ही उसके रोबोट को यूज करके शशांक को मारा। एक मासूम की जान, बस अपना मिशन अकम्प्लिश कर। वो आदमी जो अपने मां बाप से ज्यादा तुम्हें मानता, उसकी जान ले। खबर मिलने के बाद मुझे पता चल गया था कि विजयन को सब पता चल चुका है। उसे पता चल गया था कि स्पेस क्राफ्ट ने मैंने रोबोट किस मकसद से रखा है। वो आप लोगों के पास आ रहा था तो मुझे तो रोकना था। पर आपने शशांक को क्यों मारा? इतने सालों से मार्स पे एलियन लाइफ ढूंढने की कोशिश कर, कुछ नहीं, फंड खत्म हो रहे। मुझे लगा कि मुझे ही कुछ करना है, इसलिए मैंने प्रूव करने के लिए वो रॉक्स मूव करना शुरू कर। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नहीं माना। तो शशांक तो बस एक बहाना था, एक सैक्रिफाइस जो तुमने किया ताकि ये साबित कर सको कि मार्स पर वाकई में एलियन प्रेजेंस है। अब मैं टीम बनाई और उन्हें मार्स पर भेजा, ये यकीन दिला कि उन्हें वहां एलियंस के साइंस मिले। लेकिन शशांक को क्या पता था कि विजन का रोबोट यूज करके उसे वहीं मारने वाले हैं, ताकि लोगों को लगे ये कोई एलियन ही कर सकता, ताकि लोगों को यकीन हो जाए। और उन्हें यकीन हो भी जाए कि बीच में CBI आ गई तो तुम्हें वो सैटेलाइट इमेजेस भी ऑल्टर करने पड़े ताकि तुम साबित कर सको कि वो एलियंस का ही फुटप्रिंट। तो और क्या करता? अरे इंजीनियर्स MBAs को हमसे ज्यादा सैलरी मिलती है, हम साइंटिस्ट हैं, हमारा क्या? बस यही तरीका था ना, करोड़ों का ग्रांट हाथ से निकल जाता। वही करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस रोड्स बनाने में डाल सकते।